आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाला सूजी का नाश्ता, जो बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो कैसे बनाया है, आइए बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, कैच लाइव विद शीतल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी से झटपट बनने वाला नाश्ता और इसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है और इसी के बराबर हमें लेनी है फ्रेश दही। इसके अंदर डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सूजी में दही को मिला लिया है, लेकिन अभी भी ये गाढ़ा पेस्ट है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। सूजी का फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। सूजी के पेस्ट को रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च स्वादानुसार। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, हरा धनिया और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। इन सबको मिलाकर अच्छी तरह से चला लेंगे। पेस्ट को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और देखिए कितनी अच्छी थिकनेस आई है। और चलिए, यहाँ हमने पैन गरम कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें हमें थोड़ा ही घी चाहिएगा, चारों तरफ हमने लगा लिया है। और हम स्पून में लेकर इसको इस तरह से इसमें छोटा छोटा डालते रहेंगे। और गैस को सिम ही रखना है, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर से डलता है तो इसमें फ्लेम तेज नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सारे इसको डाल लेते हैं। सभी बॉल्स को हमने छोटा छोटा डाल लिया है और अब इसे हम 2-1 मिनट सिम पर पकाते रहेंगे। सूजी बॉल ट्रांसपेरेंट होने लगी हैं और थोड़ी थोड़ी ये पकने लगी हैं, तो अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा घी की कोटिंग कर देंगे इस तरह से सभी पर। और इनको पलट लेंगे सभी बॉल्स को हमने पलट लिया है और अब दूसरी तरफ से भी हमने इनको अच्छी तरह से ये सेक लिया है, ये देखिए। अब ये तैयार है और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी बॉल्स को प्लेट में निकाल लिया है, अभी हम और बॉल्स तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनको फ्राई करेंगे। सभी बॉल्स को हमने रेडी कर लिया है और अब हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, इसमें देसी घी ले लेते हैं। इसमें हम डालेंगे राई, इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसमें हम डालेंगे प्याज, इसको ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। थोड़ा सा क्रंची, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे करी पत्ता और इनको अच्छी तरह से
ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। प्याज और कैप्सिकम देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, और अब हम डालेंगे इसमें सॉस और थोड़ा चिली सॉस और शेजवान चटनी। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले सूजी बॉल्स में भी नमक डाला है, तो इसमें हम कम नमक डालेंगे और इन सभी को चला लेंगे। थोड़ा इसमें रेड चिली पाउडर भी मिला लिया है, और आप देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी बॉल्स, और इनको अच्छी तरह से हम इसमें मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं। सूजी बॉल को हमने अच्छी तरह से पेस्ट में मिला लिया है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं प्लेट में। सूजी बॉल को हमने प्लेट में सर्व कर लिया है, और अब ये खाने के लिए तैयार हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हैं और थोड़े से क्रंची भी हैं। तो आप ये नाश्ते में बनाइए, चटपटा नाश्ता, और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला ये नाश्ता है, तो आप इसको ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।